हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, और एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 की हॉर्नबिल से नेक्स्ट पोएम, जिसका टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन। और इस पोएम को कंपोज किया है वॉल्ट विटमैन ने। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, इस पोएम को समझने के लिए आपको वाटर साइकिल की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल से मतलब है कि बारिश कैसे होती है। सो बारिश होती है बादलों से, और बादल कैसे बनते हैं, बादल बनते हैं वाटर बॉडीज़ से इवेपोरेट होकर। यानी कि लैंड पर जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में एक लैंडस्केप दिया है जहाँ पर ये लैंड एरिया है और ये वाटर बॉडीज़ हैं। तो जो वाटर बॉडीज़ हैं इन पे जब सूर्य की धूप पड़ती है तो ये जो वाटर है वो गर्म होता है, और गर्म होकर इवेपोरेट होकर ये ऊपर आसमान की तरफ जाता है वाष्पीकृत होकर या इवेपोरेट होकर गैसियस फॉर्म में, और ऊपर जाकर ये वाटर वेपर के रूप में फॉर्म होता है, यानी कि वाटर वेपर बनाता है। और अभी जो वाटर वेपर है ये जब ठंडे हो जाते हैं तो ये क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। वाटर वेपर ठंडे होकर जब क्लाउड बनाते हैं तो इसको हम कह देते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर का और क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, और फिर इन क्लाउड्स यानी कि ये जो बादल हैं ये प्रिसिपिटेट होकर वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में फिर से नीचे लैंड पर आते हैं। सो इसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन, यानी कि प्रिसिपिटेट होकर जो बादल हैं उनसे वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में या बारिश के फॉर्म में नीचे लैंड पर आ जाना कहलाता है प्रिसिपिटेशन। और ये जो बारिश है वापस वाटर के फॉर्म में वाटर बॉडीज़ में लैंड पर मिल जाती है और यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। तो इस पूरे साइकिल को हम कह देते हैं वाटर साइकिल, और इस पोयम में ये वाटर साइकिल ही एक तरीके से दिखाया गया है एक ब्यूटीफुल पोयम के फॉर्म में। ये जो पूरा वाटर साइकिल है इसे इस पोयम में बताया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पोयम का टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन, और इसे कंपोज किया है वॉल्ट विटमैन ने। विटमैन बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हैं आपके एग्जाम के लिहाज से, तो इन पर हम एक सेपरेट वीडियो भी करेंगे। सो फिलहाल आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट हैं, और इन्हें पोएट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और इनका फेमस वर्क है लीव्स ऑफ द ग्रास, जो पब्लिश हुआ था 1855 में। तो शुरू करते हैं पोएम को। सो पोएम जो है वो एक कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में है बिटवीन द पोएट एंड द रेन, यानी कि पोएट और रेन के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है जिसमें पोएट क्वेश्चन कर रहे हैं और रेन आंसर दे रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी ये पोएम है, या कॉन्वर्सेशनल फॉर्मेट में ये पोएम है। तो अभी देखते हैं, द पोएट आस्क द रेन सॉफ्ट फॉलिंग शावर एंड हु आर्ट दाउ। सो पोएट यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी रेन को यहाँ पर सॉफ्ट फॉलिंग शावर कहा जा रहा है, जिससे पोएट क्वेश्चन करते हैं। और पोएट क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड हु आर्ट दाउ। सो हु आर्ट दाउ ये जो है लाइन, ये ओपनिंग लाइन है इस पोएम की, जहाँ पर आर्ट का मतलब है आर और दाउ का मतलब है यू। सो दोनों ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं। सो पोएट पूछ रहे हैं रेन से, हु आर यू, तुम कौन हो। Strangely the rain answers his question, और strangely यानी कि ये बहुत अजीब सी बात है कि जो रेन है वो भी उसके क्वेश्चन का आंसर देती है, उसके प्रश्न का जवाब देती है। सो जनरली रेन जो होती है वो बातचीत नहीं करती है, तो यहाँ पर रेन पोएट के प्रश्न का उत्तर दे रही है, यानी कि रेन को यहाँ पर personify किया गया है। तो अब रेन क्या कहती है, तो रेन पोएट के क्वेश्चन का आंसर देती है और कहती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं अर्थ की पोएम हूँ, मैं अर्थ की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। तो वो कहती है कि इटर्नल यानी कि शाश्वत, नेवर एंडिंग रूप से मैं राइज करती हूँ इम्पेल्पेबल। इम्पेल्पेबल यानी कि मैं अनटचेबल हूँ, मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मुझे कोई देख नहीं सकता। जब मैं लैंड और बॉटमलेस सी यानी कि अनंत समुद्र और लैंड से जब मैं ऊपर की ओर राइज करती हूँ, तो मैं नेवर एंडिंग शाश्वत रूप से राइज करती हूँ, और उस समय
कोई भी मुझे देख नहीं सकता, कोई भी मुझे छू नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो राइज करती है तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में होती है, तो वो दिखाई नहीं देती है और ना ही उसे कोई छू सकता है. सो आई राइज फ्रॉम द लैंड एंड द सी अपवर्ड टू हैवन वेंस वेगली फॉर्म. तो रेन यहाँ पर कह रही है कि मैं ऊपर हैवन यानी कि आकाश की तरफ जाती हूँ, वेंस वेगली फॉर्म, और वहाँ जाकर मैं अनसर्टेन अनिश्चित फॉर्म्स जो हैं वो ले लेती हूँ. यानी कि वो ऊपर तो जाती है वाटर वेपर के फॉर्म में, लेकिन ऊपर जाकर वाटर वेपर भी चेंज हो जाता है क्लाउड के फॉर्म्स में. तो यहाँ पर रेन का कहना है, आई मूव अपवर्ड टू द स्काई इन द वेग फॉर्म्स, इन द अनसर्टेन फॉर्म्स ऑफ क्लाउड्स कम्प्लीटली चेंज. यानी कि ऊपर जाकर मैं क्लाउड का शेप ले लेती हूँ. ऑल टुगेदर चेंज येट द सेम. अब इसका कहना है कि ऑल टुगेदर चेंज यानी कि ऊपर जाकर जब मैं क्लाउड्स का शेप ले लेती हूँ तो मैं कम्प्लीटली चेंज फॉर्म में होती हूँ, येट द सेम, लेकिन उसके बाद भी मैं सेम होती हूँ. कम्प्लीटली चेंज येट द सेम यानी कि चेंज होने के बाद भी मैं सेम ही रहती हूँ, मैं वाटर ही रहती हूँ. आई डिसेंड टू लेव द ट्रॉट्स. फिर मैं नीचे की तरफ आती हूँ. टू लेव द ट्रॉट्स, टू लेव यानी कि धोने के लिए, वॉश करने के लिए. द ट्रॉट्स यानी कि जो कुछ भी सूखा पृथ्वी पर पड़ा है उसको धोने के लिए मैं नीचे की तरफ आती हूँ. आई डिसेंड टू वॉश द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. यानी कि जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स एटमीज हैं, डस्ट लेयर यानी कि धूल की लेयर्स हैं, उन सबको मैं वापस नीचे आकर धो देती हूँ. विदाउट मी सीड्स वर ओनली लेटेंट एंड अनबॉर्न. मेरे बिना जो सीड्स हैं वो भी लेटेंट और अनबॉर्न है. लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मिट्टी में छुपे हुए, और अनबॉर्न यानी कि पैदा नहीं हो पाते हैं. यानी कि बारिश कह रही है कि मेरे बिना जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो केवल बीज मात्र ही रह जाते हैं और मिट्टी में छुपे हुए ही रह जाते हैं, वो कभी पैदा नहीं हो पाते हैं. यानी कि वो एक पौधे का रूप नहीं ले पाते हैं. आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. मैं अपने खुद के ओरिजिन या खुद के सोर्स को पुनः जीवित करती हूँ. फॉर एवर ऑल डेज एंड नाइट्स रेन डिसेंड्स ऑन अर्थ टू रिवाइव इट्स सोर्सेज एंड मेक्स इट प्योर एंड ब्यूटिफुल. यानी कि फॉर एवर, हमेशा, डेज एंड नाइट्स यानी कि दिन और रात रेन डिसेंड करती है अर्थ पर, रेन पृथ्वी पर आती है टू रिवाइव इट्स सोर्स, अपने सोर्स को रिवाइव करने के लिए या अपने जो भी सोर्सेज या ओरिजिन्स हैं उनको पुनः जीवित करने के लिए. यानी कि लैंड पर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, बारिश उनको आकर फिर से जीवित कर देती है एंड मेक्स देम प्योर एंड ब्यूटिफुल, और उन्हें प्योर और ब्यूटिफाई कर देती है. इसके बाद लास्ट टू लाइन्स ब्रैकेट्स में दी गई हैं क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है. यहाँ पर पोएट रेन को सॉन्ग से कंपेयर करता है और कहता है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस. जैसे एक सॉन्ग होता है जो कि इशू होता है फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस. बर्थ प्लेस का मतलब है सिंगर, यानी कि एक सिंगर सॉन्ग को गाता है, उसे इशू करता है, उसे पब्लिश करता है. एंड आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, और आफ्टर फुलफिलमेंट यानी कि ऑडियंस को फुलफिलमेंट देकर, वंडरिंग करके यानी घूम फिर कर, रैक्ट और अनरैक्ट का मतलब होता है केयर फॉर और डजेंट केयर फॉर. यानी कि बिना किसी की परवाह किए ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, कि वो गाना जो है विथ लव रिटर्न करता है अपने सोर्स यानी अपने बर्थ प्लेस यानी कि सिंगर के पास. सो लाइक अ सिंगर सॉन्ग दैट गिव्स फुलफिलमेंट टू ऑडियंस एंड देन रिटर्न्स विथ लव. जैसे कि एक सिंगर का सॉन्ग है जो कि फुलफिलमेंट देता है ऑडियंस को, और उसके बाद बिना किसी की परवाह किए वापस अपने बर्थ प्लेस यानी कि वापस सिंगर के पास आ जाता है, विथ लव रिटर्न हो जाता है. उसी तरीके से रेन भी है. सो इन द सेम वे रेन ऑल्सो गिव्स फुलफिलमेंट टू द अर्थ एंड ऑल इट्स बींग्स. तो सेम तरीके से रेन यानी कि बारिश भी फुलफिलमेंट देती है अर्थ को और इसके सारे बींग्स को, यानी कि पृथ्वी और इस पर रहने वाले सभी प्राणियों को बारिश भी बरसकर एक फुलफिलमेंट देती है, जॉय देती है. इट डजंट केयर वेदर इट वॉज लाइक्ड और अनलाइक्ड बाई एनीवन.
इट डजेंट केयर फॉर, तो ये बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है कि इसे कोई लाइक करे या अनलाइक करे, कोई बारिश को पसंद करे या ना करे, इसकी इसको परवाह नहीं रहती है। इट रिटर्न्स बैक टू इट्स सोर्स, और ये वापस अपने सोर्स पर चली जाती है, यानी कि ये रिटर्न करती है उन सभी वाटर बॉडीज़ पे जो भी अर्थ पर हैं, जो भी इसका सोर्स है, ओरिजिन है, ये वापस बारिश के फॉर्म में आकर उन सभी सोर्सेज में आकर मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इस पोम में पूरा का पूरा वाटर साइकिल बताया गया है, और कैसे जो रेन है वो ऊपर जाती है स्काई में और क्लाउड्स फॉर्मेशन करती है, और फिर क्लाउड्स से बरसकर वापस लैंड में आकर अपने वाटर सोर्स में फिर से मिल जाती है। इस पूरी प्रोसेस को ब्यूटीफुली इस पोएम में बताया गया है। कैसी लगी आपको ये पोएम, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, इसके MCQs जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।